वाला 7-8 महीने बाद, तो क्या सोचते हो, क्या सोच के वोट दोगे, क्या चाहते हैं शर्मा जी? देश को, देश देश की तरक्की चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, देश हित चाहते हैं। हाँ, देश की तरक्की और देश हित का मतलब? देश हित का मतलब जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसका वो, उसके लिए वोट करेंगे। कौन पार्टी अच्छा काम कर रही है? बीजेपी कर रही है, मारनिया तो ये हाथ क्यों उठा रहे हो? बीजेपी नहीं उठा रहा हूँ भाई, सब चौधरी बैठे हैं, इस वजह से आपने कही ना चौधरी और शर्मा जी। हाँ। तो बीजेपी की वोट देंगे हम तो क्यों जरा ये बताओ है? क्यों? बहुत बुरा हाल था यहाँ उत्तर प्रदेश में, दिन में ले जाते ठाक है, दिन में लूट लेते, लूटपाट बंद है। अच्छा, आपके गांव में दिन में 2017 पहले रोज लूटपाट होती थी? गांव में नहीं, आसपास में सब जगह। नहीं नहीं, पहले गांव का बताओ ना। गांव में कभी लूट ना हुई? कहाँ लूट देखी आपने? देखी, रोज पेपर में पढ़े थे हम तो। हाँ, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। नहीं तो आप बताओ, आप कहते हो बीजेपी को वोट देंगे, हाथ उठा के बोला, ठीक है। आप जरा 4-5 चीज जो लोग नाराज हैं वो नाराजगी के 5-10 चीज बता रहे हैं, आप जरा अच्छी चीज 4-5 बताओ यहाँ पे सामने। अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज तो यार देश हित में काम जो जितना इस पार्टी ने किया किसी ने नहीं किया मेरी याद में। अरे तू बताओ ना, क्या देश हित में? देश हित में बतरे हथियार ला दिए उन्होंने, 370 हटा दी जम्मू कश्मीर से, और हमारे गांव में जिसका झोपड़ी ना थी उसका मकान बन गए। हथियार ला दिए मतलब सेना के लिए, राफेल फाइटर हवाई जहाज है, और सेना बहुत अच्छे अच्छे पहले जो टूटे फूटे थे उनसे घने बढ़िया लगे। पहले लाठी से लड़ती थी सेना, राइफल खराब थी। अच्छा, सब खराब थी? हाँ सब खराब थी। 71 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, लाठी से किया था वो। 71 की बात छोड़ दो ना, अब आतंकवादी उनसे बहुत डबल ले रहे हैं। हाँ तो एक मिनट, तो आपके हिसाब से एक तो हथियार आ गए, दूसरा 370 हट गया, और इसके अलावा? और बतेरी सड़क वगैरह बहुत कुछ बन रहा। अच्छा, सड़क बन रहा है। हाँ। और इसके अलावा? और इसके अलावा क्या चीज है? मकान बन गया लोगों का, झोपड़ी तक नहीं थी उन्हें मकान मिल गए। चलिए, ये 3-4 चीज आपने बताई। हाँ। अब ये बताओ शर्मा जी कि अगर डीजल 100 रुपए हो गया, या गैस 850-900 रुपए का सिलेंडर हो गया, बेरोजगारी लोग कह रहे हैं बहुत बढ़ा हुआ, ये सब मुद्दा है या नहीं है? सस्ता पब्लिक भी तो बढ़ रही है, ऐसी आमदनी बढ़ रही है, सिलेंडर बढ़ गया। जब सिलेंडर 60 रुपए का था, 5 रुपए मजदूरी थी, अब 400 रुपए तो वो ले रहा है बेलदार, 600 रुपए मिस्त्री ले रहा, मिस्त्री के 10 रुपए थे, बेलदार के 5 रुपए थे। तो मतलब अगर 1000 रुपए का अगर गैस हो भी जाए तो क्या दिक्कत? कोई है, दिक्कत नहीं है। डीजल अगर 150-200 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मुतन भी मोटरसाइकिल पे जा रहे, पेशाब करण भी मोटरसाइकिल पे जा। शर्मा जी, आप चाहते हो जो मोटरसाइकिल से जा रहे हो साइकिल पे चलने लगे? अगर मान लो मैं नहीं जाता, मैं नुकूं कार ले में, उनका भी होता है, उनके पास पैसा है जी भी तो जा रहे, मेरे पास नहीं है, मैं पैदल जा रहा हूँ। तो लेकिन आप, गैस तो होगा आपके घर में? गैस है हमारे घर में। तो 400 रुपए की गैस अच्छी लगती है या 900 रुपए की गैस अच्छी? तो अब 900 की अच्छी लग रही है, 400 की जीप अच्छी थी जी, पैसे नहीं थे, 20 पैसे कम थे, अब पैसे हैं, जब मजदूरी कम थी अब मजदूरी बढ़िया। तो अगर मान लो 1200-1400 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? तनख्वाह बढ़ेगी तो ऐसी, ऐसा नहीं है 1200-1400 कैसे हो जाएगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। अरे जैसे 400 से 850 हो गई, वैसे 850 से कब, कितने साल पहले थी, कब की बात कर रहे हो? 600 तो थी। हाँ 600 तो फिर 600 थी, कै साल पहले थी 600? अच्छा, कौन सा चैनल हमारा जो पूछ रहे हो, आप कौन सा चैनल देखते हो? मैं तो न्यूज नेशन, जी हिंदुस्तान, 5-7, एबीपी न्यूज, करीब करीब सारी देखूं, सारी देखूं। तो शर्मा जी ये बताइए क्या करते हो आप? मैं फिलहाल तो मुंशीगरी करूँ कोर्ट में। हाँ कोर्ट में, तहसील में। तहसील में, तो अब बताओ जैसे आपने बताया महंगाई उंगाई से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, यहाँ कोई भूखा नहीं मर रहा है, इसने बैठे सब मजे में, सान पोवा पी में। एक चीज है हमारे यहाँ सब जगह 70 रुपए का पोवा, यहाँ भी 76 का दे रहे, उसका भी ले लो एक बार इंटरव्यू जाके, मेरा तो ले लिया तुमने। तो पौवा महंगा है? है? पौवा ज्यादा महंगा है यहाँ। 5 रुपए फ्री के ले रहा, 70 का रेट है, 75 क्यों ले रहा? पंडित जी एक मिनट, तो पंडित जी आपको पौवा की चिंता है 5 रुपए ज्यादा है? डीजल अगर 100 हो गया, गैस 850 हो गया, उसमें आपको दिक्कत नहीं है? हमें ना डीजल की दिक्कत ना पौवे की दिक्कत, लेकिन जो जायज है, डीजल का तो रेट है गवर्नमेंट का। अच्छा। उस रेट पे दे रहे हैं, पौवे का रेट गवर्नमेंट का 70 का, उसे 75 का दे रहे हैं, ये चिंता है? अड़ जा क्यों रहे हो, अड़ जाओ मत।
मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या पौवे को लेकर इतना चिंतित हो 5 रुपए के लिए? आपको तो गरीब, अच्छा पंडित जी मान लीजिए चलिए आपकी आमदनी बढ़ गई, लेकिन गरीब भी लोग तो देश में करोड़ों लोग हैं जिनके रोज 50 रुपए भी आमदनी जिनकी नहीं होती है, 25 रुपए जिसकी 50 रुपए भी आमदनी नहीं है, आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में, तो उनकी चिंता आपको नहीं लगता है कि हाँ महंगाई हो गई? चिंता सबको, सब मजा ले रहे वे गरीब, हम तो 70 का पीवे हैं, वे 150 का पीवे हैं, जो भीख मंगा भी 10 रुपए तक हम तो भिखारी नहीं लेता। कहाँ है गरीब? तो गरीबी देश में नहीं है, मतलब है? देश में गरीबी नहीं है, नाम मात्र के बराबर है। अच्छा। दिखाओ आया गरीबी का। अच्छा। हाँ बहुत लोग गरीब हैं, 40-45 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको महीने का, जिनको महीने का 1000 रुपए भी आमदनी नहीं है इस देश में, और मोदी जी ही कहते हैं 80 करोड़ परिवार को, लोगों को 80 करोड़ लोगों को वो चावल देते हैं 5 किलो फ्री। गरीब लोग हैं तभी तो चावल फ्री दे रहे हैं कोरोना में। मैं दिखा दूंगा जिस दिन चावल बटा, अगले दिन आज सब ले बेच दे, सब बेच है चावल मुझसे लावे गरीब बन के, और वे फिर बेच है 19 रुपए किलो जा रहा फ्री का चावल। हाँ दिखा दूंगा तुम्हें। चलो शर्मा जी, तो शर्मा जी से भी मुलाकात हुई, ऐसे अलग अलग तरह के लोग, इससे आप अंदाजा लगेगा कि जिनके दिल में मोदी योगी बसते हैं उन दिल में तो बस रहा है, बसा रहेगा।